हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये बात तो पता होगी कि इसी साल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का खिताब छीनकर खुद हासिल कर लिया है। डन। मगर क्या आप जानते हैं कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी भारत में ही बन रहा है? आपको गर्व होगा। एयरपोर्ट के साथ साथ भारत में अंडर वाटर ट्रेन तक बनाई जा रही है। साथ ही बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर, जहां आपको साक्षात श्री कृष्ण जी की लीलाओं के लाइव दर्शन होंगे। ऐसा लगेगा आपको कि मानो भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में ही साक्षात पहुंच गए हों। आइए आज आपको बताते हैं भारत के उन 5 महाप्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनके पूरा होने के बाद दुनिया की नजरों में भारत की इमेज और भी ज्यादा चमकने लगेगी। जिनके पूरा होने के बाद जो देश भारत को थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया कहते आए हैं, वो भी भारत को देखने के लिए वीजा की लाइनों में खड़े दिखेंगे। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब का बटन और घंटा बजा के शुरू करते हैं आज के ये रंगीन दर्शन, क्योंकि आज के वीडियो का 5वां महाप्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भारत में भगवान के साक्षात दर्शन करने की सुविधा भी आपको मिलने लगेगी और विदेशों तक से इसे देखने के लिए सैलानियों की भीड़ लग जाएगी। नंबर 1 पर है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में हर जगह क्रिकेट का क्रेज कुछ इस कदर है कि भारत में क्रिकेट को एक धर्म तक कहा जाने लगा है। भारत ने दुनिया को कई सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर दिए हैं। अब आगे तो और भी बड़ी लाइन लगने वाली है। जरा सोचिए कैसा लगेगा आपको अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट देखने का मौका मिले, तो जहां आपके चारों तरफ लाखों लोग बैठे हों और सभी अपने फेवरेट खिलाड़ी के लिए चीयर कर रहे हों, दुनिया भर के टीवी चैनलों के कैमरे आपको कवर कर रहे हों। वेल फ्रेंड्स, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आपको गर्व होगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम नहीं रहा, क्योंकि अब उसे पछाड़कर पहले नंबर पर आ गया है भारत का ये विशाल क्रिकेट स्टेडियम। अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में तैयार इस क्रिकेट स्टेडियम को गौर से देखिए, कितना आलीशान लग रहा है। दरअसल ये वही पुराना सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, मगर माजरा ये है कि उसी पुराने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को तोड़कर ये नया स्टेडियम बनाया गया है। ये स्टेडियम पहले 50,000 दर्शकों को बिठा पाता था, लेकिन ये पहले के मुकाबले अब दुगने दर्शकों को आराम से जगह दे सकता है। 1,10,000 से ज्यादा दर्शक इसमें आराम से बैठकर मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस आलीशान से स्टेडियम में एक 55 कमरे वाला क्लब हाउस है, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, जिमनेजियम है और साथ ही क्रिकेट के लिए 11 किस्म की पिचे हैं। इसके अलावा इस मैदान के नीचे बारिश के पानी को निकालने का एक आधुनिक सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से बारिश होने के बाद मैदान महज आधे घंटे में दोबारा खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ कभी जाने का प्लान बनाते हैं तो फिकर नॉट, आप आराम से अपनी गाड़ी या टू व्हीलर लेकर यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 4,000 कारों, 10,000 से अधिक टू व्हीलरों को बड़े आराम से पार्क किया जा सकता है। साथ ही अगर आप चाहें तो मेट्रो से भी यहाँ आ सकते हैं। स्टेडियम के पास ही मेट्रो लाइन भी लाई गई है। अब इतना सब एक साथ बना है तो सोचिए स्टेडियम आखिर कितना बड़ा होगा। वेल फ्रेंड्स, ये स्टेडियम पूरे के पूरे 64 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इसे बनाने में पूरे 5 साल लगे हैं। 2015 से लेकर 2020 फरवरी में जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसे बनाने में पूरे 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की योजना बनाई थी। दरअसल मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं, उसी दौरान इन्होंने इसे बनाने की योजना बनाई थी। और आप तो जानते ही हैं, जितना बड़ा स्टेडियम उतने ज्यादा दर्शक और उतनी ज्यादा कमाई, यानी न केवल इस स्टेडियम से देश का डंका दुनिया भर में बज गया है, बल्कि ये स्टेडियम अब दुनिया भर से दर्शकों को आकर्षित भी करेगा और भारत के लिए कमाई का अच्छा जरिया बनेगा। नंबर 2 पर है दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे टनल। यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि इसे क्यों और कहां बनाया जा रहा है। जोजिला दर्रा 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पर स्थित है। इसी से होकर आगे लद्दाख तक जाया जाता है, मगर फ्रेंड्स सर्दियों में जोजिला दर्रा बंद हो जाता है। इसके बंद होने से हमारी सेना को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण लद्दाख सर्दियों में बाकी भारत से पूरी तरह कट जाता है। यहाँ तापमान -45 डिग्री तक नीचे चला जाता है, इसीलिए इस हाईवे टनल को बनाया जा रहा है। जोजिला टनल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पूरा लेह लद्दाख कारगिल द्रास और सियाचिन सालों भर देश के बाकी हिस्सों से सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस दुर्गम रास्ते में वाहन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरों से भरा है। जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी टू वे टनल होगी। यह सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। सर्दियों के मौसम में कारगिल पोस्ट पर खाने पीने का सामान और हथियार आदि पहुंचाने में समस्या आती है, मगर इसके बनने के बाद हर मौसम में सीमा चौकियों तक सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए यह बड़ी बढ़त होगी। इस टनल के बन जाने के बाद 3 घंटे का सफर महज 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा।
इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाईटेक कम्युनिकेशन समेत इस टनल में तमाम जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी उपलब्ध होंगे। इस सुरंग के निर्माण में 6808 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस टनल के बन जाने पर लद्दाख क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर तैयार होंगे। लद्दाख की खूबसूरत वादियों में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। फिलहाल सर्दियों में यहाँ केवल हवाई मार्ग के जरिए ही टूरिस्ट आ पाते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल की नींव रखी थी, जिसके बाद से ही इसका डंका दुनिया भर में बज गया। सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगी, जो हमेशा से लद्दाख पर अपनी गंदी नजर रखता आया है। वहीं पाकिस्तान, जो कारगिल पर अवैध कब्जा करने की नाकाम कोशिश करके बुरी तरह हार का मजा चख चुका है, उसे भी भारत की इस सुरंग से काफी तकलीफ हुई है। मगर इसके साथ साथ फ्रेंड्स, दुनिया भर के अन्य देशों की नजरों में भारत की इमेज भी इस सुरंग के निर्माण की खबर ने चमका दी। एशिया की यह सबसे लंबी सुरंग भी दुनिया भर के पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करके भारत की अच्छी कमाई कराई। नंबर 3 पर है बुलेट ट्रेन। जिस रफ्तार से इंडिया बुलंदियों को छू रहा है, उससे भी ज्यादा रफ्तार से भारत की पटरियों पर ट्रेन भी चलेंगी, और सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी चलेंगी। पानी के अंदर दौड़ने वाली दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन के मिशन पर चीन तेजी से काम कर रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी जापान के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन के मिशन को हरी झंडी दिखा दी, जो न केवल जमीन पर बल्कि समंदर के नीचे से भी गुजरेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने जा रही बुलेट ट्रेन देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का काम जारी है, और इसी 508 किलोमीटर बुलेट ट्रेन ट्रैक का 21 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे बनी सुरंग से होकर गुजरेगा। यह हिस्सा महाराष्ट्र में बीकेसी से कल्याण से फाटा के बीच होगा। 2022 अगस्त महीने तक इस ट्रैक का निर्माण पूरा होने का अनुमान है। बुलेट ट्रेन में 800 पैसेंजर एक साथ बैठकर सफर कर सकते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट सफल होने के बाद जरूरत पड़ने पर बैठने की क्षमता को बढ़ाकर 1250 किया जा सकता है। बुलेट ट्रेन में भी फ्लाइट की तरह दो क्लास होंगी, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव क्लास। बुलेट ट्रेन में रिवॉल्विंग सीट भी होंगी फ्रेंड्स, जो आपके सफर को और भी आरामदायक और मजेदार बना देंगी। बुलेट ट्रेन का किराया फ्लाइट से कम और राजधानी एसी 2 टीयर के बराबर होगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मगर मोदी जी का कमाल देखिए कि इस लागत का 80% जापान ने भारत को सिर्फ 0.1% के ब्याज पर दिया है, और उसे चुकाने के लिए भारत को दिए हैं पूरे 50 साल। साथ ही पहले 15 साल भारत को कोई कर्ज ना चुकाने की भी छूट जापान ने दी है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस ट्रेन का आनंद लेने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 2019 से ही प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया है। उनका कहना है कि बुलेट ट्रेन उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इस बारे में आपको क्या लगता है, बुलेट ट्रेन अभी बनानी चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। नंबर 4 पर है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले के झेवर में बनाया जा रहा है, जो ग्रेटर नोएडा से सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मगर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस एयरपोर्ट को बनाने का प्रपोजल 2001 में किया गया था, मगर विपक्ष के अड़ंगे के कारण यह अभी तक बनी रहा है। दरअसल झेवर एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, और विपक्ष का कहना था कि यह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की ट्रैफिक और रेवेन्यू जनरेशन को काफी कम कर देगा। पर 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस पर काम होना शुरू हो गया। अब बस आने वाले सिर्फ 4 सालों में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 5,000 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें लगभग 6 से 8 रनवे बनने वाले हैं। इसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा बनेगा कि इसका निर्माण 4 फेज में किया जाएगा। पहले फेज के पूरा होते ही यहाँ से हर साल लगभग 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। दूसरा फेज पूरा होने के बाद यहाँ से 3 करोड़ यात्री सालाना यात्रा कर पाएंगे। तीसरे फेज के बाद यात्रियों की संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो जाएगी, और चौथे फेज यानी आखिरी फेज के पूरा होते ही यहाँ से 7 करोड़ यात्री हर साल यात्रा कर पाएंगे। इसी के साथ ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो बनेगा ही, साथ ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने का भी खिताब अपने नाम कर लेगा। इस विशाल एयरपोर्ट के निर्माण की खबर ने सारे विश्व का ध्यान भारत की ओर खींचने का काम किया है। दुनिया में भारत की धाक इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 5 पर है विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर। भारत के कल्चर और धार्मिक विरासत को भारत और दुनिया के बच्चे बच्चे को समझाने के लिए भारत में 1 या 2 नहीं बल्कि कई बड़े कृष्ण मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन मंदिरों की खूबियां ऐसी होंगी जिन्हें देख सारी दुनिया ही दंग रह जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि भारत कैसे इन मंदिरों के जरिए भी दुनिया में छा जाने वाला है। इनमें से पहला है वृंदावन में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर, जिसे बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये मंदिर 700 फीट ऊंचा होगा और 65 एकड़ में फैला होगा। इसमें 70 मंजिला मंदिर बनेगा। इस मंदिर को एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह डेवलप किया जा रहा है, यानी इसमें लाइट शो के जरिए आप भगवान कृष्ण की लीलाओं को महसूस कर सकेंगे।
जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क में झूले होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ अघासुर, बकासुर, पूतना जैसे राक्षसों के वध से जुड़ी एक्टिविटी होंगी। मंदिर का मुख्य हॉल इतना बड़ा होगा कि उसमें एक बार में 5,000 लोग आसानी से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही इसमें भागवत गीता एक्सपो भी होगा। इसमें भागवत की प्रमुख घटनाओं को दिखाया जाएगा। मंदिर में यमुना क्रीक भी होगा। इसमें लोग परिवार के साथ यमुना नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। कैप्सूल एलिवेटर यहाँ का खास आकर्षण होगा। इसमें बैठकर लोग काफी ऊंचाई तक ऊपर जाएंगे और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को जान सकेंगे। इसी तरह बेंगलुरु के वैकुंठ हिल पर श्री कृष्ण लीला थीम पार्क बनाया जा रहा है, जिसे बनाने का खर्च लगभग 750 करोड़ रुपए आएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ दुनिया को हैरान करने के लिए क्या क्या खास होगा। यह थीम पार्क घने जंगल और वृंदावन का पूरा एहसास देगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जितने राक्षसों का वध किया है, उन सभी घटनाओं का चित्रण इस थीम पार्क में होगा। इसके साथ ही वैकुंठ एक्सपीरियंस वाला एक सेक्शन भी होगा। इसके दर्शन करने के लिए जब भी आप अपने परिवार के साथ जाएंगे तो आपको एक पौराणिक विमान जैसा दिखने वाले विमान में बिठाकर उड़ाते हुए धाम तक ले जाया जाएगा। इसकी बनावट वैसी ही होगी जैसी पुराणों में वैकुंठ के लिए लिखी है। आप खुद वैकुंठ में भगवान के वास को महसूस कर पाएंगे। मंदिर में 5,000 कारों की पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। मंदिर के परिसर में एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इन विशाल मंदिरों के निर्माण की खबर ने न केवल दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है, बल्कि इनके पूरा होने के बाद भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत व प्राचीन इतिहास देखने के लिए पर्यटकों की लंबी लंबी लाइनें भी लग जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इंडिया में एक के बाद एक कितने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें भारत एक नया ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। अगर आपको भी इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखकर हो रहा है जबरदस्त गर्व, तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर, ताकि सभी को ये पता चल सके कि भारत किस तरह से लगातार तरक्की करता जा रहा है और दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। अगर आप नहीं हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके घंटा दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें।